Hello everyone, this is me Ansari Shabnam, and you are watching All About Teaching. Today, we are going to solve the practice questions of chapter number 2 Birds of NSO, that is National Science Olympiad of Class 3. These are the topics, the content of birds, and if you want to read the contents, you can. Take the screenshot, and you can read the contents given in this video. And we, we will be solving practice questions. First question is read the given statements. Dash and dash have long, thin legs and waded through water. Second is dash and dash have sharp, curved claws called talons. Select the correct words to fill in the blanks. Your option B is correct here. Crane and flamingo they have long, thin legs and they can wade through waters. And eagle and hawk has sharp, curved claws let's move to question number two now question number two is which of these birds use its beaks to view piece of leaves grass and twigs together to build a nest the Usmehoga weaver bird this is a weaver bird it weaves. question number three the feather of a bird the feather of a bird helps it to fly

So, your option will be all of these. A bird, a bird with this foot, like duck and swan, so they can do all of the things. The nest shown here is made up of, is made by, this one is made by a tailor bird. I make a nest with stones and pebbles in a very cold place. ये है पेंगुइन, पेंगुइन स्टोन्स और पेबल से अपना घर बनाती है और ये बहुत कोल्ड प्लेस में रहती है ये स्विम कर सकती है लेकिन फ्लाई नहीं कर सकती सोहेल ग्रुप थ्री बर्ड्स टुगेदर एज शोन इन दिस बॉक्स ऑल दीज आर डैश बर्ड्स विच बर्ड्स आर दीज ये तीनों ही बर्ड्स क्या है कीवी इमू और ऑस्ट्रिच वर दे आर फ्लाइटलेस बर्ड

and down feather what does down feather helps to do down feather helps to keep the body bird warm and flight flight feathers used in flapping so option kya hoga 2 3 1 where is 2 3 1 2 3 1 2 3 1 so b is the correct option now let us see question number 9 question number 9 is

अच्छा वेब्ड फीट है और फ्लाइटलेस विंग्स हैं तो वो क्या है एक्स एक्स एज पेंगुइन एक्स बी पेंगुइन या और और क्या पूछा हुआ यहाँ पर ब्रॉड एंड फ्लैट बेक वेब्ड फीट और फ्लाइटलेस विंग तो ऐसा तो ऐसा तो कुछ नहीं ये जेड तो स्ट्रोक नहीं हो सकता है ना स्ट्रोक ऐसा नहीं है तो हमारा आंसर है एक्स कुड बी पेंग्विन एंड वाई कुड बी डक सो ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी नाउ नंबर टेन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इन करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट हॉलो बोन्स इन बर्ड्स हेल्प देम टू मेक हेल्प देम इन फ्लाइंग स्ट्रीम लाइन बॉडी ऑफ बर्ड्स हेल्प देम टू वॉक ऑन ग्राउंड वॉक ऑन ग्राउंड Uh, और ये है क्लाइंबिंग बर्ड्स हैव थ्री टोज इन फ्रंट एंड इन फ्रंट एंड वन एट द बैक तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला आपका होगा कि जो इनकरेक्ट है बोन्स तो बर्ड्स को फ्लाई कराती हैं ये सही बात है बोन्स फ्लाई कराती है तो ये तो ऑप्शन हमारा सही नहीं ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है ये गलत वाला ऑप्शन नहीं है हमें इनकरेक्ट फॉल फाइंड करना तो इनकरेक्ट हमारा है बी एंड सी ओनली बी एंड सी यहाँ पर भी देखो ए और बी को गलत दिया हुआ तो ए तो हमारा गलत हो ही नहीं सकता तो जहाँ भी ए है वो तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा उसके अलावा और जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर है ना नंबर इलेवन स्टडी द गिवेन क्लासिफिकेशन चार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स बिलोंग टू ग्रुप वाई एंड ग्रुप जेड रेस्पेक्टिवली ग्रुप वाई और ग्रुप जेड में कौन सा बर्ड uh, कौन सा बर्ड uh, क्या कहते हैं बिलोंग करता है वो बताना है हमें क्या है ये क्वेश्चन नंबर इलेवन दिस इज बर्ड्स के ग्रुप वाई में ईगल है और है ईमू तो ईगल और ईमू हमें बताना है कौन सा बर्ड्स होगा बैट और गोजवेरी या फिर गूज और फ्लेमिंगो ऑस्ट्रिजन कीवी और गूज और कैसोवेरी तो ये आपका होगा गूज एंड

तो हमें इसमें बताना है कि किसका किसका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है किसका किसका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यहाँ पर एक तो अशोक ने गलत कहा है ना अशोक ने गलत कहा कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई तो सारी बर्ड्स तो फ्लाई नहीं करती और मोनिका ने भी गलत कहा कि कुछ बर्ड्स अंडे देते हैं कुछ बर्ड्स यंग वंस को बर्थ देते हैं तो ऐसा नहीं है सारे ही बर्ड्स अंडे देते हैं तो मोनिका अशोक और मोनिका दे बोथ आर रॉन्ग तो अशोक और मोनिका वाला यहां पर बताइए कहां पर स्टेटमेंट ऑप्शन में है आपको अशोक एंड मोनिका दैट इज ऑप्शन नंबर सी अशोक एंड मोनिका दे सेड द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट बर्ड्स मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन तो इसका मैच कैसा होगा मैच करते हैं और करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं देखिए ए नंबर क्या है शॉर्ट एंड हार्ड बीक बीक उनका शॉर्ट और हार्ड होगा तो किसका बीक शॉर्ट और हार्ड होगा एक तो पेंगु पिजन का और स्पैरो का पिजन और स्पैरो का बीक शॉर्ट है और हार्ड है लॉन्ग एंड पॉइंटेड लॉन्ग होना चाहिए और पॉइंटेड होना चाहिए लॉन्ग और पॉइंटेड किसका होता है हमिंग बर्ड का लॉन्ग होता है पॉइंटेड होता है और कीवी का भी लॉन्ग और पॉइंटेड होता है स्ट्रॉन्ग एंड कर्व्ड बीक स्ट्रोंग होगा और कर्व्ड होगा उसका बीक तो स्ट्रॉन्ग और कर्व्ड बीक किसका है पैरेट का है बिल्कुल पैरेट का होता है और ब्रॉड और फ्लैट ब्रॉड और फ्लैट होता है डक का तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है नाउ लेट अस सी दिस वन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन व्हाट इज क्वेश्चन फोर्टीन टू आस क्वेश्चन फोर्टीन इज सम टाइप्स ऑफ बीक्स आर शोन बिलो सेलेक्ट ऑप्शन दैट करेक्टली मैचेस द बीक विद द हेल्प ऑफ इट्स फूड इट इज अडेप्टेड टू ईट तो इसमें क्या होगा डी नंबर डी नंबर क्या करता है सीड खाता है फ्लैश खाता है नेक्टर खाता है वोम्स खाता है तो ये तो नेक्टर खाने वाला है तो हमिंग बर्ड है ये नेक्टर पीता है एंड वॉट डज इट ईट ये फ्लैश खाती है इस तरह के बर्ड्स फ्लैश खाते हैं और इस तरह के ये बर्ड्स क्या करता है डक क्या करता है डक खाता है, है वॉम्स इंसेक्ट्स और स्मॉल प्लांट्स और ये बर्ड क्या खाता है ये बर्ड खाता है सीड्स इससे स्पैरो तो हमारा यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी सही होगा स्पैरो सीड्स खाता है चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्टीन नंबर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द बॉडी पार्ट्स ऑफ बर्ड्स शोन बिलो डी नंबर वॉट इज डी हेल्प्स द बर्ड्स टू डू डी अच्छा यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं डी बर्ड्स हेल्प्स टू पैडल इन वाटर नहीं ये पैडल नहीं करता E helps birds to perch a tree branch. E वाला no no no. इस तरह के birds tree branch पे नहीं रह सकते हैं F helps birds to kill its prey and flesh. ये भी नहीं है ये तो मुर्गी का पैर है And G helps birds to wade through water. G helps a birds to wade through water. Yes.

करेक्ट ऑप्शन टू फिल द एमटी स्पेस ऑफ डी ई एंड एफ डी ई और एफ को सेलेक्ट करना डी ई एफ अच्छा बर्ड कैन फ्लाई कौन सी बर्ड इसमें से फ्लाई कर सकती है पीजन पीजन हाँ किंग फिशर ये तीनों फ्लाई कर सकती है ये नहीं कर सकता ई e नंबर है बर्ड कैन फ्लाई कैन स्विम यस बर्ड विच कैन फ्लाई विच कैन स्विम जो फ्लाई भी कर सकता है और स्विम भी कर सकता है तो कौन सा वाला बर्ड है जो फ्लाई भी कर सकता है और स्विम भी कर सकता विच कैन फ्लाई नो नहीं बर्ड जो फ्लाई नहीं कर सकता है लेकिन स्विम कर सकता वो पेंगुण है वो पेंगुइन है पेंगुइन फ्लाई नहीं कर सकता लेकिन स्विम कर सकता और एक बर्ड एफ वाली बर्ड न यस कैन फ्लाई नो no, स्विम नो no, स्विम बर्ड क्या कर सकती है फ्लाई भी नहीं कर सकती स्विम भी नहीं कर सकती तो वो ऑस्ट्रिज है ऑस्ट्रिच फ्लाई भी नहीं कर सकती और स्विम भी नहीं कर सकती है नंबर सेवेंटीन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा एन ऑमनी वॉरस ब्लैक बर्ड दैट दैट सेज कॉ कॉ कैन बी प्लेस्ड एट डी क्या उसको डी में प्लेस्ड कर सकते हैं डी में यहाँ पर अ बर्ड कैन फ्लाई यस यस बिल्कुल प्लेस कर सकते हैं वो फ्लाई करती है गलत सी क्वेश्चन नंबर एटीन रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ इनकरेक्ट जो इनकरेक्ट है उसको सेलेक्ट करने के लिए कहा गया हमें तो हम क्या करेंगे वेन डायग्राम को देखो फ्लाइज स्विम और ये जेड में तो कुछ भी नहीं है तो वो कौन सा बर्ड है वाई कैन बी पेंगुविन नहीं वो हाँ वाई पेंगुइन हो सकता है हमें इन करेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा तो वाई स्विम करता है वाई पेंगुइन हो सकता है। एक्स कैन बी डक जो फ्लाई भी करती है स्विम भी करती है, हाँ एक्स डक हो सकता है जेड कैन बी एन ऑस्ट्रिच फ्लाई नहीं करता स्विम नहीं करता हाँ जेड ऑस्ट्रिच हो सकता है या फिर देर इज नो बर्ड सच देर इज नो सच बर्ड एज जेड क्योंकि जेड में तो कुछ हमें दिया ही नहीं है तो हमारा क्या होना चाहिए जेड ऐसा कोई बर्ड नहीं है नहीं बिल्कुल है ऑस्ट्रिक जैसे बर्ड्स होते हैं जो फ्लाई भी नहीं कर सकते हैं स्विम भी नहीं कर सकते हैं। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है कि जेड जैसा कोई बर्ड नहीं हो सकता बिल्कुल हो सकता है और ऐसे बर्ड्स हैं हमारे पास चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में डायरेक्शन दिए हुए उसी के हिसाब से ये दोनों क्वेश्चन को हमें फॉलो करना है क्या करना है बर्ड विथ विच ऑफ़ दी फॉलोइंग फूड टाइप इज़ नॉट प्रेजेंट इन द गिवन वर्ड ग्रिड ये जो वर्ड ग्रिड है ना इसमें देखो क्या है कौन सा वाला बर्ड का ये प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर वो हमें बताना है तो चलिए इस वर्ड ग्रिड में हम देखते हैं वर्ड ग्रिड में हमें कौन कौन से बर्ड्स के नाम मिलते हैं हमें पहले मिल रहा है पेंगुइन जो कि इस बर्ड का है फिर है ये देखो हेरॉन जो कि ये वाला बर्ड है और ई ए जी एल नहीं नहीं ईगल का नहीं मिला ईगल का तो नहीं आ रहा है ये ईगल होना चाहिए था ये ईगल नहीं आ रहा है और क्या है पैरेट है देखो यहाँ पर पैरेट है ये पैरेट का भी मिल गया तो किसका हमें नहीं मिल रहा है ये एक कम नहीं मिल रहा है नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी दैट इज सेलेक्ट द बर्ड दैट कैन फाइंड इन द गि वर्ड ग्रेड दैट You can find a bird that view its nest from grass, or bird that view its nests from leaf, a bird that makes its nest using stones and pebbles on ground, a bird that make its nest by pecking pecking wood. Question twenty: Select the bird that you can find. फाइंड इन द गि वर्ल्ड ग्रेड ये वर्ल्ड ग्रेड में हमें कौन सा वाला बर्ड मिला बर्ड दैट वीव्स इट नेस्ट फ्रॉम ग्रास वीवर बर्ड नहीं मिला बर्ड दैट इट्स नेस्ट फ्रॉम लीव्स ये है टेलर बर्ड. टेलर बर्ड बर्ड भी हमें नहीं मिला अ बर्ड दैट मेक्स इट नेस्ट यूजिंग स्टोन्स एंड पेबल्स ऑन ग्राउंड दैट इज पेंग्विन तो पेंग्विन तो हमें यहाँ पर मिला था ना पेंग्विन तो हमें सी वाला ऑप्शन को टिक करना कि पेंग्विन इसमें है जो यहाँ पर पूछा जा रहा है इसी के साथ हमारा ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होता है थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो